Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्ण आज के इस श्री श्री लक्ष्मी नारायण जी के वार्षिक उत्सव में आप सबका स्वागत है बहुत ही सुंदर नाटिका भक्तों ने यहाँ प्रस्तुत की है जो हमको बताती है एक सीख हम उनसे ले सकते हैं हर कोई व्यक्ति इस दुनिया में सौंदर्य से आकर्षित है और हर व्यक्ति की एक एक अलग अलग परिभाषा भी है सौंदर्य क्या है लेकिन इन सारी परिभाषाओं के परे एक जो स्थायी रूप से सौंदर्य है भगवान का जब तक हमको वो सौंदर्य नहीं मिलता है तो हम भटकते रहते हैं ललायित हैं हम लेकिन इस प्रवास का अंत कब होगा जब हम भगवान का शाश्वत सौंदर्य हमको दिखेगा तब हम फिर शांत हो जाते हैं जैसे ये धनुर्दास जी थे उनको असली खजाना मिल गया तो अभी एक दो रुपए के सिक्कों से अभी उनको कुछ लेना देना नहीं है और हमको स्वयं को इस कथा में एक बात जो अच्छी लगती है इस दुनिया में जब भी हम देखते हैं कोई स्वार्थी व्यक्ति है तो उसको एक चीज मिली थी और समझो कोई व्यक्ति उसको उस चीज से ज्यादा महंगी कोई चीज दे दे तो ये तो स्वाभाविक है कि वो नई चीज ले लेगा जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय वो नई महंगी चीज ले लेगा लेकिन बात क्या है कि वो जो पुरानी चीज है जो अब साबित हो गया कि ये कम महंगी थी हमने अक्सर देखा है ये व्यक्ति उसको धिक्कार कर देगा हमारे पास एक चीज है अभी दूसरी चीज मिल गई जो महंगी है अभी इसको हम स्वीकार करेंगे और इसको उतनी तेजी से फेंक देंगे अभी इससे कुछ हमको लेना देना नहीं लेकिन इसमें हम देखते हैं कैसे इनको जब भगवान का सौंदर्य प्राप्त हुआ ऐसा नहीं कि उस दिन से उन्होंने उस व्यक्ति से बात करना बंद कर दिया उनको कुछ दूर भगा दिया बल्कि अभी उस पहली वाली व्यक्ति को भी उन्होंने अपना लिया लेकिन सही दृष्टि से इनका भी सौंदर्य है ऐसा नहीं कि सौंदर्य नहीं है उनको धिक्कारने की कोई जरूरी नहीं है लेकिन भगवान जो शाश्वत सुंदर है क्यों नहीं हम दोनों मिलकर उनकी सेवा करें तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है इस कथा में सीखने के लिए हम में से कोई भी व्यक्ति हो और हमारे पास कोई भी अच्छी चीज हो जब हमको भगवान मिलते हैं तो हमारे पास जो पहले से उपलब्ध चीज है हम उसका कभी धिक्कार नहीं करते हम उसको कभी रिजेक्ट नहीं करते हम उसको रखते हैं लेकिन उसको सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो दोनों ने अच्छी तरह से गृहस्थ आश्रम अपना के साथ में मिलकर भगवान की सेवा जारी रखी यहाँ पे तो आज का चर्चा का हमारा यही विषय है कि भगवान का सौंदर्य क्या है और भगवान के सौंदर्य का क्या विशेष स्थान है और सौंदर्य इसकी हम क्या व्याख्या दे सकते हैं
और अगर हमारे जीवन में ये भगवान का सौंदर्य आया तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो ऐसा कहते हैं अरण्य कांड में, रामायण में रामचंद्र भगवान सीता जी और लक्ष्मण ये वन में जा रहे हैं, अभी अगस्त्य ऋषि से मिले नहीं हैं। अगस्त्य ऋषि से मिलने से पहले एक स्थान से गुजर रहे हैं, साथ में बहुत सारे ऋषि मुनि हैं और कहा जाता है लगभग 8 किलोमीटर लंबाई का एक उनको एक तालाब दिखता है और उस तालाब के करीब में से जब गुजर रहे हैं तो वहां एक सुंदर सुस्वर ध्वनि उनको सुनाई दे रही है, कहीं कोई सितार बज रही है, कोई वीणा बज रही है, कोई व्यक्ति गा रहे हैं, लेकिन अगल बगल में जब देखते हैं चारों दिशाओं में कोई भी उधर व्यक्ति नहीं, सुमसान जगह है। तो रामचंद्र भगवान पीछे कोई ऋषि मुनि है उनको पूछते हैं अरे ये ध्वनि कहां से आ रही है। तो उसमें एक मुनि है उनका नाम है धर्मभृत। तो धर्मभृत मुनि बोलते हैं हम आपको बताते हैं क्या चीज है। तो बोलते हैं ये जो इतना बड़ा तालाब है इसका नाम है पंचापसर तीर्थ। कहते हैं बहुत बहुत अनेक अनेक साल पहले यहाँ पे एक मांडकर्णी मुनि नाम के मुनि रहते थे, बहुत घोर तपस्या करते थे। घोर तपस्या की खबर स्वर्ग लोक तक पहुंच गई और जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो एक चीज और भी अपेक्षा कर सकते हैं कि ऊपर बैठे देवताओं को थोड़ा इनसिक्योरिटी हो गया, उनको थोड़ा डर लगने लगा उनको, अरे ये व्यक्ति यहाँ इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है, शायद ये हमारे स्थान का अभिलाषी है। तो कहते हैं सारे देवता इन व्यक्ति के तपस्या से थोड़ा डर गए और थोड़ा मिलजुल के अग्निदेव के पास गए और बोले इनकी तपस्या को भंग करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं सारे देवताओं ने मिलके सबसे 5 सुंदर अप्सराएं उन्होंने उनको थोड़ा ध्यान बटाने के लिए भेज दी उन्होंने। तो ये 5 सुंदर अप्सराएं एक ध्येय लेके आई थी, एक लक्ष्य लेके आई थी। मांडकर्णी मुनि तपस्या कर रहे हैं लेकिन जैसे वो 5 अप्सराओं को देखे तो सोचे थोड़ा विराम दे सकते हैं तपस्या को और उन 5 अप्सराओं से उन्होंने विवाह कर लिया और वो 5 अप्सराएं बहुत अच्छे से पत्नी के रूप में अभी उनकी सेवा कर रही है। तो अभी मांडकर्णी मुनि भी ऐसे कोई नौजवान नहीं थे लेकिन जब देखे कि ये 5 अप्सराएं बहुत नौजवान हैं और हम उनके पति हैं तो उन्होंने अपने तपोबल का उपयोग खुद को फिर से नौजवान करने के लिए लगाया और कहते हैं अभी ये मांडकर्णी मुनि और ये 5 अप्सराएं इस तालाब के भीतर रहते हैं ताकि उनके वैवाहिक जीवन में कोई तकलीफ ना आए, बाहर रहेंगे तो बाहर बहुत कुछ चलते रहता है ना, तो पानी के भीतर अब ये मुनि और 5 अप्सराएं रहते हैं और दोनों अच्छे से एक दूसरे से प्रेम करते हैं और इस मांडकर्णी मुनि को सेवा करने के लिए ये 5 अप्सराएं अलग अलग वाद्य बजाते हैं और अच्छे अच्छे रागों में सुर भी लगाते हैं। तो आप जो ये ध्वनि सुन रहे हैं ना ये तालाब के भीतर से आती हुई ध्वनि है। तो ये सुन के रामचंद्र जी क्या रिस्पॉन्स देते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं आश्चर्यम, बस और कुछ नहीं कहते। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं केवल इतना ही कहते हैं आश्चर्यम और रामचंद्र आगे बढ़ जाते हैं। उनको पता है कि कैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सौंदर्य से प्रभावित हो जाते हैं। आप में से कितने लोगों ने ये बात सुनी है कुछ अन्य कथाओं में कि कुछ एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है और वो अप्सराओं की सुंदरता से प्रभावित हो गया, सुना है? अनेक विश्वामित्र मुनि की कथा है। क्या आपने ऐसी कभी कोई कथा सुनी है जिसमें अप्सराएं एक मनुष्य से प्रभावित हो गई? कोई अप्सरा है बैठी है बोल रही अरे ये मनुष्य कौन है, ऐसे कभी कोई कथा सुनी है आपने? हाँ जी, हमने अर्जुन की कथा सुनी है। तो ये भेद है, पूरी दुनिया अप्सराओं से प्रभावित होती है और एक ऐसी कथा है जब अर्जुन कुछ दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्गलोक में गए थे तो इंद्र उनको बोले ठीक है हम आपको दिव्यास्त्र देते हैं लेकिन कुछ मनोरंजन के लिए साथ लिए हमारे साथ आ जाइए। तो वहां अर्जुन उनके साथ में बैठे हैं सभा में और कुछ अप्सराएं उर्वशी समेत वहां पे नृत्य कर रहे हैं तो अर्जुन की नजरें
नृत्य करती हुई अप्सराओं के केवल चरणों पे थी, उन्होंने उनके चेहरे को तो देखा, शरीर को नहीं देखा, केवल नीचे देख रहे हैं और पैर ऐसे थिरकते हैं ना नृत्य में, उससे भी समझ में आता है कि ये व्यक्ति कितनी गहराई से नृत्य कर रहे हैं, कितनी तकलीफ से नृत्य कर रहे हैं। तो अगर किसी के नृत्य की सराहना करनी है, जरूरी नहीं कि उनको पूरा देखे, केवल उनके पग देख के ही आपको समझ में आएगा तो बहुत कठिन कठिन कर रहे हैं। तो अर्जुन पूरी तरह से आदर सम्मान के साथ उनके चरणों को देख रहे, लेकिन उर्वशी ने यह बात देखी और उर्वशी कुछ समय बाद उनको मिलने गई और बोले, आप नीचे देख रहे थे लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमको पूरी तरह से देखें। तो तब अर्जुन ने कहा कि नहीं, आप हमारी माता हैं, हमारे एक पूर्वज थे पुरुरवा, और आप उनकी पत्नी रह चुकी हैं, तो उस नाते से आप हमारी माता हैं। तो सोचिए, जब पूरा जग अप्सराओं की सुंदरता से प्रभावित हो रहा है और ये व्यक्ति खुद आके उनको बोल रहे हैं कि आप हमको सराहना कीजिए, हमारे सौंदर्य को आप ग्लोरीफाई माय ब्यूटी। लेकिन अर्जुन प्रभावित भी नहीं हुए और ऊपर से ऐसे सुंदर स्त्री को माता के रूप में कह रहे हैं। ऐसा कहते हैं तुकाराम महाराज को उनकी तपस्या में, उनकी साधना में भंग करने के लिए भी एक बार एक व्यक्ति ने उनको एक ऐसे एक स्त्री को भेजा, तो उनको देख के तुकाराम महाराज भी पूरी शुद्धता से उनको माँ कहे। उस व्यक्ति को उसके पूरे जीवन में किसी ने भी माँ नहीं कहा था, माँ कहना तो दूर है, देखा भी नहीं था उस नजरों से। तो जब उस व्यक्ति ने तुकाराम महाराज के मुख से पहली बार प्रामाणिकता से, हे माँ आप यहाँ क्यों आई है, तो कहते हैं शुद्ध व्यक्ति जब सही में अपने दिल से कुछ कहता है, वो शब्द कुछ बड़े नहीं होते हैं, वो शब्द बहुत सरल होते हैं लेकिन उसका प्रभाव बहुत होता है। कल एक कार्यक्रम में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि कैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एक बड़े कोई व्यक्ति ने पूछा, क्या आप पूरे विश्व के गुरु हैं? और श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये सवाल सुना तो शर्म से नीचे देखे और कुछ समय बाद ऊपर किए और बोले, जी नहीं, हम पूरे विश्व के गुरु नहीं हैं, हम सब लोगों के सेवक हैं, दास हैं। तो फिर राधानाथ महाराज ने एक वाक्य कहा उसके बारे में, बोले, बात यह नहीं थी कि कुछ बड़ी चीज कही, लेकिन बात यह थी कि कैसे ढंग से कहा प्रभुपाद जी ने, कितनी स्वाभाविकता से, सहजता से और कितनी प्रामाणिकता से कहा। तो राधानाथ महाराज कह रहे थे, जैसे ही हमने ये वाक्य सुना हम समझ गए कि श्रील प्रभुपाद ही पूरे विश्व के गुरु है। महाराज कह रहे थे, इट इज नॉट व्हाट ही सेड, इट इज द वे ही सेड इट। तो वैसे ही तुकाराम महाराज ने जिस पद्धति से कहा, हे माँ, स्त्री प्रभावित हो गई और उस क्षण केवल यह शब्द सुन के उनमें परिवर्तन हो गया। और एक व्यक्ति है जो इस सुंदरता से प्रभावित नहीं हुए, हनुमान जी। हनुमान जी सीता देवी को ढूंढने के लिए जब रावण के महलों में घूम रहे हैं तो एक ऐसे महल में पहुंच जाते हैं जहां सारी रावण की पत्नियां, स्त्रियां, अपहरण की हुई स्त्रियां हैं, और उनके सुंदर सुंदर चेहरे को देख के एक ऐसा क्षण आता है जब हनुमान जी कहते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीता देवी को ढूंढने आया था, मैं एक ब्रह्मचारी हूं और मैं स्त्रियों के महलों में आधी रात को खिड़कियों से ऊपर से झरोखे से, हनुमान जी से एक एक चेहरे को परख रहे थे, क्या ये सीता देवी लग रही है, जी नहीं, क्या ये सीता देवी लग रही है, जी नहीं। और एक ऐसा क्षण आया जब ऐसे पूरा परीक्षा करके रुक गए और बोलते हैं, मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं ये सब करने के लिए यहां पे नहीं आया हूं। फिर एक सोचते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, हालांकि मैं हर एक स्त्री के चेहरे को जांच परख रहा हूं, एकदम अच्छी तरह से देख रहा हूं, नहीं वैकृत्यम उपपद्यते, कहते हैं लेकिन मेरे हृदय में कोई विकृति नहीं हुई, मेरे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मुझे कोई अलग लग नहीं रहा है। तो बोलते हैं इसका मतलब है मैं सही में शुद्ध भावना से, शुद्ध सेवा की भावना से यहां पे हूं, इसलिए सीता मैया के प्रभाव ने मुझे बचा लिया। तो ऐसे ये कुछ गिने चुने हैं जब भगवान के असली सौंदर्य से जो प्रभावित हुए हैं, केवल वो ही इस दुनिया के सौंदर्य से बच पाए हैं। तो रुक्मिणी देवी अपने प्रेम पत्र में भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांस्ते,
तो कहते हैं भुवन सुंदर, भुवन मतलब धरती, और भुवन सुंदर मतलब इस पूरे धरती में आप सबसे ज्यादा सुंदर है। लेकिन हम सोचेंगे शायद प्रशंसा में चेहरे की प्रशंसा करें, लेकिन कहते हैं आप इस दुनिया में सबसे सुंदर है, लेकिन कैसे? आपके गुणों से। और आपकी सुंदरता का क्या है राज? तो अगले वाक्य में कहते हैं निर्विशकर्ण विवरई हरतो अंगतापम। कहते हैं आपके सुंदरता का वर्णन हमने नारद मुनि से अपने पिताजी के महल में सुना है। कई बार ऋषि मुनि आते हैं और कहते हैं श्री कृष्ण है, द्वारकाधीश है, और आपकी सुंदरता के बारे में बताते हैं। तो बोलते हैं निर्विशकर्ण विवरई, जब हमने आपकी महानता के बारे में सुना, आपका वर्णन सुना, तो कहते हैं हरतो अंगतापम। तो ऐसा कहा जाता है जब हम इस दुनिया के सौंदर्य से प्रभावित होते हैं तो हमारे शरीर में तापमान बढ़ जाता है, बढ़तो अंग तापम। लेकिन श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता से अगर कोई प्रभावित हो गया तो उनका तापमान कम हो जाता है। तो कहते हैं हरतो अंग तापम। तो इसलिए ऐसा हम एक सीख सकते हैं इस चर्चा से कि जब तक हम श्री कृष्ण के सौंदर्य से प्रभावित नहीं होंगे तब तक हमको इस दुनिया के सौंदर्य से प्रभावित होना ही पड़ेगा। इट इज फोर्स्ड ऑन अस, हमको उस पर चॉइस नहीं है। लेकिन एक चॉइस है हमारे पास कि कैसे धनुर्दास जैसे हम अपने सौंदर्य का स्तर बढ़ा दे, रुक्मिणी देवी जैसे, तुकाराम महाराज जैसे, अर्जुन जैसे, हनुमान जैसे, तब फिर इस दुनिया की सौंदर्य को हम धिक्कार नहीं करेंगे लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो इस दुनिया में अगर किसी बड़े व्यक्ति को अगर मिलना है, इस बड़े व्यक्ति को दर्शन पाने हैं, कितना कठिन है। सेक्रेटरी को मिलो, उनसे अपॉइंटमेंट लो। तो सोचिए अगर इस विश्व के सबसे बड़े परमेश्वर है श्री कृष्ण, या फिर आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी के बारे में, उनके दर्शन पाना क्या इतना आसान होगा? जी नहीं। तो पहले स्कंद में जब बताया जाता है नारद मुनि अपने पूर्व जन्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो कहते हैं हम श्री परमात्मा जी को, विष्णु जी को बहुत ढूंढे और हमने अपने घर का भी त्याग कर दिया, छोटे से कैशोर अवस्था में हैं, बच्चे हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए इतनी लालसा हो गई उनको कि माता की मृत्यु के उपरांत उन्होंने घर का त्याग कर दिया और वन उपवन शहर गांव सब जगह खेत खलिहानों में ढूंढ रहे हैं कहां मिलेंगे हमको भगवान। तो कहते हैं एक बार ऐसे बहुत थक के हम एक नदी के पास में बैठ गए और थोड़ा ध्यान करने लगे, तो तुरंत परमात्मा जी विष्णु जी हमारी तपस्या से प्रसन्न होके हमारे हृदय में हमको दर्शन दिए और तुरंत एक ही क्षण में वो दर्शन लुप्त हो गया। और कुछ महंगी सी चीज समझो हम पूरे जिंदगी में ढूंढ रहे हैं और हमको वो चीज मिल जाए और हम वो हाथ में लेने के लिए से आगे बढ़े और उस क्षण अगर वो चीज फिर से लुप्त हो जाए तो ज्यादा कठिनाई होती है। तो वैसे नारद मुनि कई सालों तक भगवान को ढूंढ रहे, भगवान ने दर्शन दिए और कुछ क्षणों में भगवान लुप्त हो गए, तो ऐसे अचानक से आंखें खोले, बोले कहीं बाहर आ गए क्या भगवान देखने के लिए? ध्रुव महाराज के साथ ऐसे हुआ। ध्रुव महाराज को पहले भगवान ने हृदय में दर्शन दिए और आंखें खोले तो वही भगवान सामने थे, तो नारद मुनि को लगा शायद हमको भी वैसे दर्शन देंगे, लेकिन विष्णु जी सामने नहीं थे। तो तब एक आवाज आई तो उन्होंने कहा अविपक्व कषाया नाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम। कहते हैं अविपक्व, जो भक्त पूरी तरह से परिपक्व नहीं है साधना में उनको, या फिर जिनके मन में कुछ मैल है, या जिनकी सेवा पूरी तरह से अभी तक समाप्त नहीं हुई है, अभी कुछ सीखना बाकी है, कहते हैं हम ऐसे व्यक्ति को आसानी से दर्शन नहीं देते हैं। तो हमने आपको फिर दर्शन क्यों दिया? कहते हैं आपकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए। एक सैंपल दे दिया आपको, अभी सोचिए हम इतने सुंदर हैं, हमको अगर आपको पाना है और थोड़ी तपस्या कीजिए, हम आपको जरूर दर्शन देंगे और आपको हम एक शाश्वत आध्यात्मिक शरीर भी देंगे। और उस जन्म के बाद में नारद मुनि हमारे प्रख्यात फेमस नारद मुनि बने। तो इसलिए भगवान का दर्शन पाना कोई आसान बात नहीं है। शूर्पणखा जब रामचंद्र भगवान को पहली बार देखती है तो ऐसे ही चर विचर रही है और कुछ पेड़ के टहनियों के बीच में से देखती है, अरे यहाँ पे कोई दो नौजवान बैठे हैं, और रामचंद्र जी के प्रति बहुत आतुरता से आकर्षित हो जाती है। तो
तो कहती है इनका चेहरा कैसे एकदम प्रज्वल चेहरा है, आंखें कैसी एकदम कमल दल जैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं, नाक बहुत सुंदर है, इनका मुख कितना आकर्षक है, कहते हैं इनकी भुजाएं कितनी लंबी लंबी हैं, कहते हैं रामचंद्र जी की भुजाएं उनके घुटने तक आती थी, कहते हैं जब ये चलते हैं इनकी जो गति है एक हाथी की तरह सुडौल है, बोलते हैं ये व्यक्ति हमको चाहिए, इस व्यक्ति का हमको भोग करना है। साधारण है, जब हम कोई सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो हमको लगता है ये व्यक्ति ये चीज हमारे उपयोग के लिए है। तो उसमें एक वर्णन आता है कि शूर्पणखा सोच रही है लेकिन ये व्यक्ति है कौन, अगर कोई सुंदर था तो हमको तो पता होना चाहिए, हमारे पास तो एक डायरी है उसमें सब लिख रखा है हमने, ये व्यक्ति है कौन। कहते हैं क्या ये कामदेव है, अरे लेकिन हमने तो सुना था कि कामदेव को शिव जी ने भस्म कर दिया तो ये कामदेव नहीं हो सकते, तो बोले क्या ये शिव जी है फिर, तो बोले नहीं लेकिन शिव जी की तो तीन तीन आंखें हैं, इनके तो दो ही आंखें, शिव जी नहीं हो सकते। बोले क्या ये इंद्र है, इंद्र भी बहुत कामुक है और काफी देवता है तो अच्छा सुंदर शरीर है उनका, लेकिन बोलते हैं इंद्र की पूरे शरीर पे हजार आंखें हैं सहस्त्र नेत्र हैं तो ये इंद्र भी नहीं हो सकते। बोले क्या ये विष्णु है, लेकिन विष्णु की तो चार भुजाएं हैं तो ये विष्णु भी नहीं हो सकते। बोले क्या ये कमल का कोई खिला हुआ फूल है, बोले नहीं कमल का फूल भी नहीं है, फिर कौन है ये व्यक्ति। आप बोलेंगे अरे ये तो क्या है ना, ये शूर्पणखा थी इसलिए उनको आकर्षण हुआ। जी नहीं, भगवान रामचंद्र इतने आकर्षक हैं, कहते हैं बाल अवस्था में 12 वर्ष की उम्र में जब विश्वामित्र मुनि उनको युद्ध करने के लिए लेके गए, अपने पिताजी से याचना करके लेके गए, तो तब रात को एक नदी के तट पे सोए हैं और सुबह का समय है, सूरज अभी उगने ही वाला है, तो तब वाल्मीकि जी कहते हैं विश्वामित्र मुनि ने एक बहुत ही प्रख्यात श्लोक कहा, किसी को पता है क्या है, कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्व संध्या प्रवर्तते। पूर्व संध्या, अभी संध्या हुई नहीं है, संध्या का समय मतलब दिन और रात का जब मिलन होता है उसको कहते हैं संध्या, तो बोलते कहते हैं पूर्व संध्या प्रवर्तते, अब तक सूरज उगा नहीं है तो क्यों उठा रहे हैं फिर इनको, क्यों उठा रहे हैं मालूम है, श्री रामचंद्र जी का चेहरा इतना उज्ज्वल था, वहां जो पास में नदी बह रही थी उसमें कमल के फूल थे, तो कहते हैं कमल के फूल जब सूरज आता है तभी खिलते हैं, सूरज नहीं तो बंद हो जाते हैं, लेकिन उस दिन पूर्व संध्या प्रवर्तते, अभी तक सूरज आया नहीं है लेकिन उनका देदीप्यमान उज्जवल चेहरा देखे वो कमल का फूल अंधेरे में ही खिल गया, मुझे ये सूरज उग गया लगता है। तो आचार्य कहते हैं सूरज उगा नहीं है ना, तो संध्या हुई नहीं है, तो कहते हैं जब ये बोलने वाले हैं रामचंद्र जी को उस क्षण से लेके कुछ मिनटों तक जब सही में संध्या हुई है, विश्वामित्र मुनि उस सोते हुए बालक का चेहरा देख के इतने आकर्षित हो गए, इतने प्रभावित हो गए, केवल कौशल्या कौशल्या आगे जा बढ़ी नहीं पाए, तो कहते कई मिनटों तक कौशल्या 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 कहा, फिर एक क्षण उनको समझ में आया थोड़ा आगे भी कहना चाहिए, फिर बोले सुप्रजा रामा पूर्व संध्या प्रवर्तते। तो चाहे वो शूर्पणखा हो या चाहे विश्वामित्र मुनि हो, रामचंद्र भगवान की ऐसी सुंदरता है, विष्णु की ऐसी सुंदरता है कि सब लोग उससे प्रभावित होते थे। दश अवतार में से सारे अवतारों को जानते हैं आप सब लोग, सब जानते हैं है कि नहीं, उसमें एक अवतार है जो साधारण रूप से साधारण दृष्टि से इस दुनिया में कम से कम सुंदर नहीं माना जाता है, कौन सा रूप है वो, वराह रूप। हमने एक बार देखा था यहाँ पे वराह द्वादशी थी, वराह भगवान का आविर्भाव दिवस था, यहाँ पे हम मूर्ति लगाते हैं अलग अलग दिनों पे, तो यहाँ पे नीचे एक वराह देव का डायोरामा है, तो एक दिन के लिए वो वराह देव जो है वो यहाँ पे आते हैं, बहुत सुंदर है, सुनहरे हैं, सुनहरा रंग था उनका, और ऐसे एकदम आकर्षक ढंग से ऐसे उनकी जो सूंड बोल सकते हैं छोटी सी सूंड रहती है वराह की, वो ऐसे ऊपर करके और इसके ऊपर पृथ्वी है धरती है कि नहीं। तो लेकिन हमने देखा कोई लोग उस दिन जब दर्शन के लिए आए थे तो थोड़ा सा ऐसे ये हो गए, बोले अरे हम तो कृष्ण भगवान का दर्शन लेने आए थे, ये हम वो शब्द का प्रभाव प्रयोग नहीं करना चाहते, लेकिन इस दुनिया में जो कहते हैं ना वराह को, वराह तो संस्कृत शब्द है, हिंदी में कुछ और कहते हैं, हम उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते, बोले अरे इसको इसने कहाँ रख दिया, और कुछ कुछ
अन्य संस्कृतियों में थोड़ा लोग कठिन हो जाता है इनको ये समझना, है कि नहीं? तो कहते हैं ये वराह देव जब सही में प्रकट हुए तो कहां से प्रकट हुए पता है किसे? ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये धरती गर्भोदक सागर में गिर गई है, हिरण्याक्ष ने सोना इतना निकाला धरती में से, बैलेंस खत्म हो गया। जैसे कोई चीज भरी हुई है, अंदर से आप बहुत चीज निकाली है तो उसका बैलेंस हिल जाता है, तो वैसे सोना इतना निकाला तो बैलेंस हिल गया, तो धरती एक ग्रह के रूप में गर्भोदक सागर में जाके गिरे। तो अभी ब्रह्मा जी सोच रहे हैं धरती तो बहुत महत्वपूर्ण है, पृथ्वी बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यहां पे भक्ति कर सकते हैं, यहां पे थोड़ी खुशी मिलती है ताकि हम आशा रखें, और थोड़ा दुख मिलता है कि हम अति आशा नहीं करें, हमको समझ जाए कि यह दुनिया रहने के लिए नहीं है, यह दुनिया केवल ट्रांजिट पॉइंट है, है ना, जंक्शन रहता है ना, वहां उतरेंगे, गाड़ी बदलेंगे, दूसरी गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। सो सम स्टेशंस आर नॉट फॉर स्टेइंग देयर, सम स्टेशंस आर ओनली यूज फॉर ट्रांजिट पॉइंट। फ्लाइट अगर चेंज करनी है हम बाहर नहीं जाते हैं, हम अंदर ही एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाते हैं। तो वैसे कहते हैं धरती है बहुत अच्छी जगह है, क्यों? यहाँ पे हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो बोले अगर ये धरती डूब गई है तो कैसे करेंगे? अभी सोच रहे हैं, उस क्षण भगवान ने उनकी यातना देखी और कहते हैं उनकी नासिका के अंदर से वराह देव प्रकट हुए। पहले उनका आकार कितना था पता है? एक अंगूठे के उतना, छोटी सी नासिका से एक वराह बाहर निकले, तो रूप ही थोड़ा अलग है, वो शुद्ध नहीं माना जाता है। वराह का स्थान क्या रहता है? गंदी जगह में रहता है। उसका क्या कारण है हम आपको बताएंगे, आप भ्रमित ना होइए, कोई लोग ऐसा देख रहे वराह के रूप में है, लेकिन कहने की बात है नासिका को अगर हमारा हाथ भी लग जाए नाक को तो हम ऐसे उसको कंसिडर डर्टी है कि नहीं? तो नासिका में से जो बाहर निकले हैं वो उनका जन्म स्थान है और रूप है वराह का। ऐसे व्यक्ति आकर्षक लगते हैं क्या? जी नहीं। लेकिन कहते हैं जब ऐसे निकले तो एक विशिष्ट कारण के लिए निकले, क्यों? क्योंकि धरती जब गर्भोदक सागर में गिर गई थी तो ऐसे मान लीजिए एक तालाब है बहुत गहरा, और उस तालाब के भीतर अगर आप गए वहां क्या मिलेगा आपको? कीचड़। कोई भी पानी का आप सरोवर ले लीजिए, नदी ले लीजिए, सागर ले लीजिए, नीचे सबसे कीचड़ होता है। अभी वो कीचड़ में से कुछ निकालना है तो कौन निकालेगा? वराह चाहिए उसके लिए। तो इसलिए वराह रूप में श्री कृष्ण भगवान, केशव धृत शूकर रूप जय जगदीश हरे, श्री कृष्ण ही है। तो जब पानी आ गए, धरती को निकाला उन्होंने बाहर, धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि को सबसे पहले वो कर दिया उन्होंने, धरती को रख दिया। लेकिन जैसे इस जगत में एक शुकर है, वराह है, वो जब पानी से संपर्क होता है, कोई भी प्राणी ले लीजिए और प्राणी की चेतना वाले मनुष्य ले लीजिए, उनको पानी से बहुत घृणा है। आजकल हम देखते हैं लोग रोज स्नान नहीं करते, केवल ऐसे थोड़ा सेंट मार देते हैं, तो बोले नहीं काम हो गया ना। अरे ये सुगंध के लिए नहीं है स्नान, साफ रखने के लिए है कि नहीं? तो कुत्ते को देखिए आप, कभी पानी के पास में लेकिन तो भाग जाता है। तो वैसे वराह भी अपना काम कर लिए, पृथ्वी को रख दिए और थोड़ा ऐसा झटके खुद को, तो जब झटके तो उनके बालों से पानी के जो छींटे थे वो वहां बैठे हुए ऋषि मुनियों के ऊपर गिरे। अभी सोचिए आप रास्ते पे से जा रहे हैं और कोई शूकर ऐसे बाहर आए और ऐसे झटके, तो आपको कैसे लगेगा? आप भागेंगे ना वहां से? ऋषि मुनियों ने क्या किया? हम तो हम हैं, ऋषि मुनि है कि नहीं? हम ऐसा सोचेंगे वो ज्यादा पवित्र हैं, छूत अछूत में ज्यादा उनका विश्वास है। जी नहीं, ये सारे ऋषि मुनि ने क्या किया मालूम है? हाथ जोड़े और बोले धन्यवाद धन्यवाद, आह हमारे सर पे पवित्र जल गिरा। इसका मतलब है कि भगवान जब वराह जैसे रूप में भी आते हैं तो कुछ व्यक्ति है जो उनको पहचान पाते हैं। सब लोग पहचान नहीं पाए, हिरण्याक्ष पहचान नहीं पाया, हिरण्याक्ष उनके ऊपर हमला किए, उनके साथ युद्ध किया उन्होंने। और ये जो बड़े बड़े तपस्वी शुद्ध शरीर से मन से चित्त से बोले बहुत बहुत धन्यवाद, हम पवित्र हो गए, हमारा शुद्धिकरण हुआ। तो उस भाग से हम ये समझ सकते हैं भगवान के रूप को देखना इतना आसान नहीं है, और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भगवान अपनी अनुकंपा से जब कोई अवतार लेते हैं,
अपने कार्य के लिए कुछ विशिष्ट रूप में आते हैं तो हम शायद उस रूप को भी सराहना नहीं कर पाए। तो वहां सोचिए, अगर हम और आप होते तो सबसे पहले एक वराह को देख के वहां से भाग जाते, चलो रुक जाते, और वो पानी गिरता तो हम छी ये क्या हमारे ऊपर खराब पानी गिर गया, है कि नहीं। लेकिन ये सारे ऋषि मुनि हाथ जोड़ के कहते हैं हम पवित्र हो गए। तो इसलिए भगवान के रूप को देखना बहुत कठिन है, ये हमने पहले देखा। अभी हम ये सीख रहे हैं कि भगवान को रूप को देख भी ले कोई, लेकिन उस देख के उस रूप को सही तरह से समझना, ये सेकंड दूसरी कठिन चीज है। तो इसके लिए कभी भी कहते हैं भगवान के श्रवण, भगवान के बारे में अगर श्रवण करना है अकेले मत करना, भक्तों के साथ में बैठना। भक्तों, भगवान के बारे में कुछ बताना है तो अकेले मत बताना, किसी को साथ में लेके बैठना। भगवान के धाम में अगर जाना है अकेला धाम यात्रा मत करना, कम से कम एक भक्त को साथ में ले जाना। वैसे ही भगवान के दर्शन को भी कभी आप आएंगे तो अकेले मत आना। क्यों? कई बार हम अपने मूड में रहते हैं, हमारा शरीर यहाँ भगवान के सामने है लेकिन हमारा मन कहीं और है। कोई मीटिंग है, कोई किसी से मिलना है, सेल फोन बज रहा है, पता नहीं क्या है। तो इसलिए अगर कोई साथ में भक्त है ना तो अपना हाथ पकड़ेगा और बोलेगा कहाँ जा रहे हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान हमको दर्शन दे रहे हैं और आपका मन कहीं और भटक रहा है, दो मिनट के लिए स्थिर हो जाइए। तो ऐसा कहते हैं शरीर है ना हमारा, जब उस कसरत करेंगे, उसको कुछ मूवमेंट देंगे तो फिट रहेगा ये, है कि नहीं। और मन कैसे फिट रहेगा? पूरा उल्टा। मन कैसे फिट रहेगा? एक जगह पे जब स्थायी हो जाएगा तब। अभी कलयुग में क्या परिस्थिति है? शरीर हम स्थायी करने के पीछे पड़े हैं। सुबह जब ऑफिस की कुर्सी पे बैठ जाते तो बस उठेंगे नहीं, घेऊन है सगळा डब्बा पण इथे घेऊन आहे, सगळं सगळं इथेच करायचं, ट्रेन बुकिंग, तिकीट बुकिंग, सब कुछ इधर है, फ्लाइट शेड्यूलिंग, मीटिंग शेड्यूलिंग, सब इधर, और मन मन भटक रहा है, इसलिए सब प्रॉब्लम्स है। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान के दर्शन बहुत दुर्लभ है, और भगवान के दर्शन होने के उपरांत उनको अच्छी तरह से समझना और दुर्लभ है। इसलिए कहते हैं जो शुद्ध व्यक्ति है वो भगवान को जानते हैं, उनके साथ में अगर हम रहें तो फिर भगवान को जान पाएंगे। कहते हैं रामायण में, हम 2 या 3 महीने पहले एक ग्रुप के साथ नासिक गए थे, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्थान है पंचवटी, पंचवटी है, और फिर तपोवन भी एक स्थान है जहाँ पे शूर्पणखा की नाक काटी थी, और उसी कार्य से अब उस जगह का नाम है, जहाँ नासिक का काटी है उस जगह को नाम दिया है नासिक। तो हम वहाँ गए, तो आप में से कोई गया है तपोवन नासिक धाम में? तो वहां पे हम जब प्रवेश करते हैं तो सामने एक पर्वत है छोटा सा, और उस पर्वत के ऊपर ना 3 चित्र हैं। चित्र मतलब हम उसको कहेंगे इंग्लिश में थोड़ा बोलते हैं कटआउट है, जैसे सिलहुट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। उसको देख के समझ में आता है ये किसका आकार है, लेकिन उसको चेहरा आंखें वगैरह कुछ नहीं, ऐसे आकार दिखता है वहां पे। तो किसका आकार है वहां पे? सबसे पूर्व है रामचंद्र जी, और रामचंद्र जी ऐसे हाथ में धनुष लेके चल रहे हैं, उनके पीछे हैं सीता जी और उनके पीछे हैं लक्ष्मण जी। तो ये चित्र है। तो हम जब प्रवेश किए और थोड़ा कीर्तन वगैरह कर रहे थे तो एक भक्त हमारे पास आए और बोले प्रभु जी वहां देख के ऐसे नहीं लगता ये ओम है करके? तो हम भी देखे नहीं थे, तो हमने देखा तो हम सच बताते हमको नहीं दिखे ओम वहां पे, लेकिन इस भक्त को तो दिखे। और हम सोच रहे थे कि ये इसने कहीं पढ़ा है, इसको कहीं सुना है, क्या कहा है। और हम जब ये रामायण पढ़ रहे थे तो उसमें एक आचार्य है कहते हैं जब अरण्य में वन में राम सीता और लक्ष्मण चल रहे हैं तो कहते हैं सही में ऐसा सब ऋषि मुनि देख रहे थे कि मानो प्रणव ओमकार मूर्तिमान रूप से चल रहा है। तो इसलिए अरण्य कांड के 11वें अध्याय का पहला श्लोक है, ये कहते हैं अग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुशोभना पृष्ठतः तो धनुष्पाणी लक्ष्मण अनुजगामः। कहते हैं पहले राम है, फिर सीता है, और फिर लक्ष्मण है। तो कहते हैं ओम ये जो ध्वनि है ये 3 ध्वनियों का मिश्रण है, कैसे? अ उ और म। तो कहते हैं यहाँ पे अग्रतः
तो आचार्य इतने बुद्धिमान है और उस बुद्धि का सही उपयोग करते हैं, बोले वो जो ओम का अ है ना, ये अग्रतः प्रयेउ राम, तो अग्रतः का जो अ है वो अ है, तो रामचंद्र जी है अ है। फिर बोलते हैं सीता मध्य सुशोभना, बहुत अच्छी दिख रही है सीता जी बीच में, तो उसमें सुशोभना का जो ऊ है वो ओम का ऊ है। और बोलते हैं धनुष पाणी है ना, तो बोले लक्ष्मण अनुजगामह, तो ये अनुजगामह का जो म है वो ओम का म है। तो इसलिए सब ऋषि मुनि जब देख रहे हैं राम सीता और लक्ष्मण जी को, तो सोच रहे हैं ये प्रणव ओमकार ही साथ में चल रहा है। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि ये जो रामचंद्र भगवान है, ये विष्णु है, ये श्री कृष्ण है, इनका दर्शन पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो शुद्ध चेतना में है केवल वो ही भगवान को ठीक तरह से दर्शन भी पा सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। कोई एक व्यक्ति है, चेहरा सुंदर है, शरीर सुंदर है, हाथ सुंदर है, नेत्र सुंदर है, सब सुंदर है, असली सौंदर्य क्या है, इसके लिए हम आपको एक छोटी सी एक कहानी बताते हैं, हमने बचपन में पढ़ी थी। कहते हैं कि एक गांव में एक मेला था और उस मेले में एक छोटी सी लड़की शायद अपनी माता से बिछड़ गई थी और भटक गई थी, तो बहुत रो रही है माँ माँ माँ। तो कुछ अच्छे सज्जन थे, बोले इनको मिलाना चाहिए माता से, तो उनको थोड़ा बाजू में लिए, थोड़ा कुछ उनको पानी पिलाए, कुछ खिलाए, और बोले क्या हुआ बच्ची आपको, तो बोलते हैं हम माँ से बिछड़ गए, हमको अपनी माँ से मिला दो। तो बोले ठीक है चलो हम आपको अपनी माता आपकी माता से मिलाते हैं। बोले आपका माता का वर्णन तो कीजिए। तो इस छोटी सी बच्ची ने क्या कहा पता है, हमारी माँ इस विश्व की सबसे सुंदर स्त्री है, माई मदर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो बोले अच्छा ऐसी बात है क्या, आप बैठो यहाँ पे। और चारों तरफ उन्होंने खबर फैला दी अगल बगल के गांवों में जो सबसे सुंदर स्त्री है, थोड़ा उनको पूछिए कुछ है क्या ऐसे, और ऐसे अलग अलग गांवों में उन्होंने पूछा जो भी उनकी पद्धति थी उससे, और सभी गांवों में से एक रिप्लाई है, एक उत्तर आया, ऐसी कोई भी घटना कोई भी सुंदर स्त्री के बच्चों के साथ नहीं हुई है। तो ये फिर से उस बच्ची के पास गए, बोले बच्ची को कैसी है आपकी माँ, कैसे दिखती है। बोले माय मदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन दिस वर्ल्ड। तो बोले थोड़ा शायद हम कम परखे, हम शायद दूर तक जाना चाहिए। उतने में इस छोटी सी बच्ची को अपनी माँ दिखी, बिलक के एकदम दौड़ गई उधर और एकदम से चूम लिया उसने अपनी माँ को। और सब लोगों ने जब ऐसे थोड़े पलटे और जब अपनी उस व्यक्ति को देखा उन्होंने जो बच्ची की माँ है, तो जिस दृष्टि से साधारणतः किसी को सुंदर कहा जाता है उस दृष्टि से वो व्यक्ति सुंदर नहीं थी, ना गोरी थी ना लंबी थी, जो भी है कि नहीं। तो फिर ये थोड़े भ्रमित हो गए, सज्जन थे तो नम्र थे, तो थोड़ा उनको जाके पूछा उन्होंने, बोले अरे आप तो हमको बोले कि सबसे सुंदर है व्यक्ति, तो बोले देखो ना माय मदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन दिस वर्ल्ड, सही में है ना सुंदर। इसका मतलब वो जो छोटी सी बच्ची थी उसको क्या सौंदर्य दिख रहा था अपनी माँ में, जहां एक साधारण व्यक्ति त्वचा के रंग को देखता है, वो जो छोटी सी बच्ची अपनी माँ में क्या गुण देख रही थी, उसको फर्क पड़ता है कुछ माँ की त्वचा के रंग से, आंखें मेरी माँ की हरी है नीली है क्या है, क्या फर्क पड़ता है उसके लिए। अपनी माता का सौंदर्य क्या है, उनका प्रेम, जो बचपन से उन्होंने अपने बच्ची की परवरिश की है, खुद को त्याग किया है, उसको वो सौंदर्य मानती है कि नहीं। तो वैसे एक दृष्टि से रामचंद्र भगवान, श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण जब गोपियों के सामने उपस्थित होते हैं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं साक्षात मनमथ 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 मनमथ, मतलब मथना, दही को मथते हैं ना तो उसमें छाछ निकलती है, मनमथ मतलब कामदेव को मनमथ कहते हैं, हर एक व्यक्ति के मन को वो मथते हैं। तो श्री कृष्ण कौन है, बोलते हैं मनमथ के मनमथ है, साक्षात मनमथ मन मतलब कामदेव पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं, और श्री कृष्ण भगवान जब गोपियों के सामने
उपस्थित हुए तो इतने सुंदर थे कि अगर कोई कामदेव उनको देखता तो उसका मन मत जाता, वो मन मत के मन, इतने सुंदर है श्री कृष्ण, इतने सुंदर है रामचंद्र, इतने सुंदर है विष्णु। लेकिन उनका असली सौंदर्य क्या है? उनका अपने भक्तों के प्रति प्रेम। तो इस दुनिया में ऐसा हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सुंदर है या मानसिक रूप से सुंदर है, अपने चरित्र से सुंदर है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान, श्री नारायण, ये सभी दृष्टियों से बहुत ही सुंदर है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक जो प्रसंग है श्रीमद् भागवत में, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान का जो सुंदर चरित्र है, भक्त वात्सल्य है, इसके लिए अनेक अनेक कथाएं हैं। लेकिन विशेष रूप से क्योंकि आज श्री लक्ष्मी नारायण का उत्सव है, तो हम नारायण जी से संबंधित एक कथा लेंगे। तो ये प्रसंग है तीसरे स्कंद में, 15वां अध्याय है। इसके पूर्व चर्चा हो रही है कि दीति और कश्यप, इनका संगम हुआ और दीति के गर्भ में दो भ्रूण हैं और इसके वजह से वो पेट के अंदर है दीति के, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा सा छा गया है। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं ये पूरे विश्व में अंधेरा क्यों है? तो तब ब्रह्मा जी कहते हैं दो बच्चे हैं दीति के गर्भ में, अभी बाहर भी नहीं निकले हैं, लेकिन उनका प्रभाव ऐसा है, बलशाली है कि ब्रह्मांड में अंधेरा हो गया। तो कहते हैं तो फिर कुछ कीजिए आप, अरे छोटे से बच्चे हैं ना तो कुछ कीजिए। तो बोलते हैं हम आपको इनका इतिहास बताते हैं, कौन है ये दो बच्चे, और फिर कथा सुनाते हैं कैसे एक बार ब्रह्मा जी कहते हैं हमारे बेटे हैं, सबसे पहले बेटे चतुष्कुमार, कहते हैं आयु में बहुत बूढ़े हैं लेकिन उनका शरीर उन्होंने बदलने नहीं दिया, उनको छोटे छोटे बच्चों जैसे निर्मल रहना है, मन में उनको कोई बुरी इच्छा नहीं रखनी है। तो उन्होंने ऐसे निर्धास कर लिया, उन्होंने ऐसा तय कर लिया, हमारा वय, हमारी आयु हम बदलने ही नहीं देंगे, हम छोटे बच्चे ही रहेंगे, तो हमारी मानसिकता भी वैसी ही रहेगी निर्मल। तो ये जो बूढ़े चतुष्कुमार है लेकिन बच्चों के रूप में है, एक दिन भगवान के दर्शन से लालायित होके वैकुंठ में पहुंच गए। तो कहते हैं पहले ही बहुत आनंद में है, पहले ही बहुत खुशी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जैसे वैकुंठ में प्रवेश किया, पहला द्वार पार किए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां द्वार वैकुंठ का पार किए और जब उस स्थान पे पहुंचे हैं, अभी सातवां एक द्वार है और उसके उपरांत भगवान के दर्शन होंगे, वहां जब पहुंचे हैं एक विलक्षण आनंद महसूस कर रहे हैं। कहते हैं ये आनंद ना इस स्थान पे केवल खड़े रहने से हो रहा है। ऐसा कहते हैं सुदामा जब श्री कृष्ण भगवान को मिलने गए तो ऐसे ही द्वारका नगरी के एक एक द्वार को पार करके गए। तो कहते हैं रुक्मिणी देवी के महल के ठीक बाहर जब खड़े थे और जैसे अंदर प्रवेश ही करने वाले थे तब उनको भी एक विलक्षण आनंद अनुभव हुआ। कहते हैं आज तक ये आनंद मुझे महसूस नहीं हुआ, ये शायद आध्यात्मिक आनंद है। तो आचार्य कहते हैं रुक्मिणी देवी के महल के बाहर उनको वैकुंठ का आनंद प्राप्त हुआ, सोचिए धरती पे। तो यह है रुक्मिणी देवी की कृपा, यह है श्री कृष्ण भगवान की कृपा। तो वैसे ही ये चतुष्कुमार है, बहुत पवित्र है और अभी सही में वैकुंठ में गए हैं और अलग आनंद का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे वहां पे खड़े हैं दो द्वारपाल, जय और विजय। और ये दो द्वारपाल तुरंत अपना हाथ में एक एक भाला है उनके, वो भाला ऐसे टेढ़ा कर देते हैं और बोलते हैं आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। बोले अरे हमको क्यों प्रवेश नहीं मिलेगा, हमने क्या गलती की है? और ये इनको दर्शन की लालसा थी ना, तो दर्शन की लालसा पाने की वजह से, सोचिए आप कभी मंदिर में आए यहाँ पे और अंदर दर्शन चल रहा है और कोई आपको रोक दे तो बहुत गुस्सा आएगा आपको। एक बार कई सालों पहले मुंबई में स्वाइन फ्लू फैल गया था और ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति थी कि जन्माष्टमी के दिन एक वार्निंग सा हो गया था और जन्माष्टमी के दिन कई कई भक्त यहाँ बाहर खड़े थे और दर्शन नहीं ले पाए भगवान के। तो कई भक्तों को बहुत बुरा लगा और फिर उन्होंने हमको कहा कि अरे जन्माष्टमी के दिन भी हम आए और आपने भगवान के दर्शन नहीं दिए, आप लोग मंदिर में रहने वाले लोग बहुत क्रूर हैं। तो हम बोले अरे जो भी है डिसीजन है। तो हम सोच रहे थे वैसे ही ये जो चतुष्कुमार है भगवान के दर्शन की लालसा से वहां पहुंचे और ये जय विजय ने उनको रोक दिया, बहुत क्रोधित हो गए। और क्यों क्रोधित हुए?
ऐसा नहीं कि उनका कुछ अपमान हुआ है, ऐसा है कि भगवान को दर्शन पाने से आप हमको क्यों रोक रहे हैं, वो दुख है उनको। हम भी कभी कभी क्रोधित होते हैं, लेकिन हम क्यों क्रोधित होते हैं? हम क्रोधित होते हैं जब हमारी इच्छा अपूर्ण रहेगी तब, लेकिन चतुष्कुमार उस वजह से नहीं हुए, शुद्ध है व्यक्ति है। कहते हैं अरे आपने हमको क्यों रोका। तो जय विजय ने कुछ बोला नहीं है अभी तक, उन्होंने अपना हेतु नहीं बताया, केवल रोक दिया। तो चतुष्कुमार इतने क्रोधित हो जाते हैं, उनको कहते हैं ये कौन दो व्यक्ति है, ये ढोंगी है, इनको वैकुंठ से बाहर निकालो। वैकुंठ ऐसी जगह है जहां पे कोई दोहरापन नहीं है। जैसे इस जगत में हम में दो व्यक्ति रहते हैं, एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छापन है हमारे में, और एक है बुरापन भी है। सामने के व्यक्ति को देख के हम चुनते हैं इसके साथ हम कैसे व्यवहार करें, होता है ना ऐसा? कभी ऐसा होता है हम किसी व्यक्ति को मिल रहे हैं और उसका रोष भरा स्वभाव देख के, उसके कटु वचन देख के हम सोचते हैं क्या वे यही हम जिसको जानते थे वही व्यक्ति है, ऐसे तो शब्द कभी इसने बोले नहीं पहले, ऐसे तो व्यवहार कभी किया नहीं इसने पहले, अरे आपके कोई जुड़वा भाई भी है क्या, ऐसा हम सोचते हैं। इस दुनिया में होता है चेहरा पूरा बदल जाता है, मराठी में उसको बोलते हैं जस दिस्त तस नस्त म्हणून जग फसत। तो ये चतुष्कुमार वैसे नहीं है। तो चतुष्कुमार बोल रहे हैं ये दोनों हम में भेद देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि वैकुंठ बहुत पवित्र जगह है और हम अपवित्र है, लेकिन क्या इनको पता नहीं हम 6 दरवाजों में से अगर अंदर आए हैं मतलब हम प्रमाणित शुद्ध हैं, सर्टिफाइड है हम, नहीं तो 6 दरवाजों में से अंदर कैसे आते, वहीं पे हमको कुछ रोक दिया जाता। इसका मतलब है इनको अपने स्थान के अधिकार के बारे में, कर्तव्य के बारे में ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, जिसको नहीं रोकना चाहिए उसको रोक रहे हैं। तो कहते हैं शायद ये ढोंगी है, इनको इस स्थान से निकाल दीजिए। कहां भेजना चाहिए इनको, क्योंकि ये द्वंद्व देख रहे हैं, दोहरापन देख रहे हैं, इनको उस जगह पे भेजिए जहां द्वंद्व मौजूद है। कौन सी जगह है ये, भौतिक जगत। बोलते हैं आप जय और विजय भगवान के द्वारपाल है, लेकिन ये आपके लिए उचित जगह नहीं है, आपका वास होना चाहिए धरती पे जहां पे लोग हमेशा दुबले क्या बोलते हैं उसको, दोगले व्यवहार करते हैं, कभी कुछ। बोलते इस स्थान पे भेजिए इनको। ये सुन के जय विजय जो नारायण के पर्सनल द्वारपाल है उनमें आप क्या परिवर्तन अपेक्षा करेंगे? हम सोचेंगे पता है हम कौन है, भगवान के द्वारपाल है, हमको कुछ कहते हैं हम भी आपको एक शाप देते हैं, ऐसा कुछ हम अपेक्षा करेंगे। जय विजय क्या कहते हैं मालूम है? जय विजय कहते हैं हे ब्राह्मण हमको माफ कर दीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं आपने दिया हुआ शाप हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम एक ही याचना करते हैं, हम जहां कहीं भी जाएं आपके शाप के वजह से हमको एक थोड़ा आश्वासन दीजिए, जहां कहीं भी जाए जो किसी जन्म में जन्म ले हम कभी भगवान को भूले नहीं, भगवान का स्मरण नहीं जाए हमसे, बस इतना एक आश्वासन दे दीजिए हम आपका शाप स्वीकार करते हैं। तो हम कुछ भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे किसी दूसरे प्रसंग के बारे में, तो चर्चा ये निकली कि अगर कोई हमारे प्रति क्रोध व्यक्त करे, कभी कभी द्वेष व्यक्त करे, क्योंकि कभी क्रोध है ना थोड़ा आसान है समझना, इसको हमसे क्रोध है तो आवाज इनकी बदल जाती है, आंखें लाल हो जाती है, हाथ शायद ऐसे। कभी कभी कोई द्वेषी व्यक्ति है ना बहुत मीठी मीठी बातें करता है, तो द्वेष है लेकिन इतनी मीठी मीठी बातें करे समझ में नहीं आता है इसको द्वेष है, ठीक है नहीं? तो हमने ऐसी चर्चा की कि कभी कोई द्वेषी है, कभी कोई क्रोधी है और हमारे खिलाफ कुछ करे, हम कई बार सुनते हैं माफ कर देना चाहिए, माफी होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, लेकिन हम चर्चा कर रहे थे कौन व्यक्ति अपने प्रति किए हुए अपराधी व्यक्ति को माफ कर पाए। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है किसी ने कुछ आपके खिलाफ किया है और उसको अपराध करना, उसके अपराध को माफ करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन हम सुनते हैं कि वैष्णव है ये आसानी से माफ कर देता है, तो कैसे क्या बाधा है उसमें? चर्चा हो रही थी हमारी, तो उस चर्चा का ऐसा निष्कर्ष निकला
समझो हम अपने में ही मग्न हैं, हम अपने ही बारे में सोचते रहते हैं हमेशा, हम ऐसे हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है, हम ऐसा करने वाले हैं, हम ऐसा कर चुके हैं, अपने में ही घूम रहे हैं। तो मेरे प्रति अगर कोई व्यक्ति अपराध करे तो मुझे सहन नहीं होता, लेकिन अगर मैं किसी और व्यक्ति के बारे में सोचने में बहुत ही मग्न हो और किसी परिस्थिति को सुलझाने में मग्न हो, तो शायद मेरा कोई अपराध करे, कोई मेरे प्रति क्रोध जताए, कोई द्वेष बताए, तो हम उसे प्रभावित नहीं होंगे। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, हम एक भक्त को जानते हैं, उस भक्त के जीवन में पिछले 3 साल से एक कोर्ट केस चल रही है। बड़े परिवार से है, बहुत सारी उनकी धन संपत्ति है और बहुत सारे भाई हैं, 4 भाई है शायद। तो अभी बंटवारे की बात हो रही है कि ये पूरी धन संपत्ति अभी हमको बांटनी है। तो कहते हैं पिछले 3 साल से कोर्ट केस चल रही है कि किस भाई को कितना बंटवारा मिले। तो उनकी कुछ सेवाएं हैं, अभी पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं वो सेवा कर नहीं पा रहे हैं। तो हम ऐसे ही उनको पूछे कि प्रभु जी आप इतने अच्छे भक्त हैं, इतने पुराने भक्त हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़ी सेवा आपकी थोड़ी कम हो गई है। तो बोलते क्या करें, ये इतनी बड़ी आपत्ति आ गई है हमारे ऊपर, तो हमारा पूरा ध्यान उसी आपत्ति को सुलझाने में है। अभी छोटे छोटे जो चीजें हैं, हमारे पास शक्ति नहीं बची, मानसिक मेंटल एनर्जी नहीं बची हमारे पास उसको सुलझाने के लिए। तो हम देख रहे थे कैसे दिन रात अभी सोच रहे हैं कि ये बंटवारा कैसे होगा, ये कोर्ट केस जल्दी खत्म हो तो आगे सेवा आगे बढ़े। तो कहते हैं कभी कभी हमारे बिजनेस में उनका जो पार्टनर है उसने भी उनको थोड़ा फंसा दिया, देखा कि अरे इनका भी ध्यान नहीं है, थोड़ा खोए खोए रहते हैं। तो उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन किया, कुछ ऊपर नीचे किया और उनको चीटिंग किया। तो हमको बता रहे थे कि हमारे साथ ऑफिस में भी चीटिंग हुआ। तो हमने बोला अरे उनको बोला नहीं आपने कुछ? तो बोले प्रभु जी हमारे जीवन में इतनी बड़ी तकलीफ है ना, तो ये छोटी छोटी तकलीफ को ध्यान देने में अभी हमारे पास समय नहीं है। तो इसलिए हम ऐसा सोच रहे थे कि ये जो बड़े बड़े भक्त हैं वो माफी इतने आसानी से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनका ध्यान एक बड़े उलझन को सुलझाने में है। बोलते हैं ये सबसे बड़ी उलझन तो सुलझ नहीं रही है और हम क्या ये छोटी छोटी उलझन को लेके बैठे हैं। कौन सी है सबसे बड़ी उलझन? सबसे बड़ी उलझन कौन सी है? कोई भी आप एक उलझन ले लो आपके जीवन में, समस्या ले लो, वो क्यों उत्पन्न हुई है, उसका एक कारण है। जाइए उधर, जाइए उधर, सोचिए ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई है, एक कारण से हुई है। ऐसा करते करते आपको समझ में आएगा सारी उलझनें हमारे जीवन में क्यों आई हैं, उसका मूल स्रोत क्या है। हमको इस दुनिया से आसक्ति है, अगर आसक्ति नहीं है तो उलझन नहीं है। आसक्ति क्यों है? क्योंकि जिस व्यक्ति से आसक्ति होनी चाहिए उस व्यक्ति से हम अनासक्त हैं। उस व्यक्ति से अनासक्ति तो कहीं ना कहीं तो आसक्ति होनी चाहिए, तो यहां आसक्ति कर ली और ये जगत जो है वो अशाश्वत है, तो तकलीफों का हमने न्योता दे दिया अपने जीवन में। तो सबसे ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है, सबसे ओरिजिनल समस्या क्या है हमारी? भगवान का विस्मरण, भगवान से जो हमारा नाता टूट गया। तो ये जो बड़े बड़े भक्त है ना, इस ओरिजिनल प्रॉब्लम को सुलझाने में इतने मग्न है, तो उनके जीवन में जब छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं, कोई द्वेष करता है, कोई क्रोध करता है, बोलते हैं देयर इज नो टाइम टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, हमको तो ओरिजिनल प्रॉब्लम को सुलझाना है, इसलिए बहुत आसानी से माफ कर देते हैं। तो हम अभी 5 मिनट में खत्म करेंगे ये कथा, है ना। तो ये जो जय विजय है, सोच सकते थे अरे तुम क्या अभी 2 मिनट पहले वैकुंठ में आए हो, हम यहाँ के स्थाई द्वारपाल हैं और तुम मुझे क्या श्राप दे रहे हो, मैं तुमको श्राप देता हूं। लेकिन उन्होंने क्या कहा मालूम है? बोलते हैं हम आपका श्राप स्वीकार करते हैं, एक आश्वासन दीजिए कि हम भगवान को भूले नहीं। कौन किसको मांग रहा है? भगवान के द्वारपाल एक गेस्ट को मांग रहे। अगर उनमें थोड़ा भी अहंकार होता श्राप का प्रति उत्तर देते, लेकिन नहीं, कहते हैं जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। और ये मूड देख के, ये ऐसा मूड देख के चतुष्कुमार भी प्रभावित हो जाते हैं और ये पूरे सिचुएशन को सुलझाने के लिए भगवान अंदर से दौड़े दौड़े आते हैं। भगवान कहते हैं रुक जाइए, कहते हैं ये जो सारी परिस्थिति है ना, इसके अपराधी हम हैं। कहते हैं एक अच्छा स्वामी ये हमेशा सोचता है अगर स्वामी के सेवक ने कोई गलती की है तो वो गलती सेवक की नहीं है, स्वामी की है। तो कहते हैं ये जो गलती है ना, ये हमारे द्वारपालों की नहीं है, ये हमारी गलती है। कहते हैं हमको सजा दीजिए, हम आपका मान सम्मान नहीं कर पाए। और कहते हैं
पूरी दुनिया हमको पूजती है, नारायण जी कहते हैं पूरी दुनिया हमको पूजती है, लेकिन हे चतुष्कुमार, हे जय विजय, आपको बताऊं हम हमको क्यों पूजती है? क्योंकि हम हमारे भक्तों को पूजते हैं, हम हमारे भक्तों को पूजते हैं, उससे हम पवित्र हो गए हैं, और हम पवित्र हो गए इसलिए सारे विश्व में हमारी पूजा होती है। हमारे चरणों को जो पानी धोता है उस पानी को गंगा कहते हैं। उस गंगा को शिव जी अपनी जटाओं के ऊपर धारण करते हैं, तो शिव जी हमको ऐसे मान सम्मान दे रहे हैं। लेकिन पता है शिव जी हमको ऐसे मान सम्मान क्यों देते हैं? क्योंकि हम हमारे भक्तों के सेवा के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, तो अपने भक्तों का गुणगान करते हैं और कहते हैं ना आप गलत है, ना आप गलत है, गलत तो हम हैं। और ये देख के अभी ये चतुष्कुमारों के ऊपर क्या प्रभाव होगा, हम बहुत शॉर्ट कर रहे हैं इसको, चतुष्कुमारों के ऊपर क्या प्रभाव होगा? चतुष्कुमार कहते हैं जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, ना ये दोनों गलत है, ना आप गलत है, गलत तो हम हैं कि हम आके यहाँ पे ऐसे एक शाप दे रहे हैं। तो अभी बात ये निकलती है, एक बहुत सादा सरल सा सवाल है, तो गलती किसकी है? जय विजय कह रहे हैं हमारी गलती है, विष्णु कह रहे हैं नहीं हमारी गलती है, चतुष्कुमार कह रहे हैं जी नहीं आप दोनों गलत है, क्योंकि आप दोनों गलती कह रहे हैं, ये गलत है, हमारी गलती है, तो गलती किसकी है? तो ऐसा कहते हैं, ये पूरा जो एक सिचुएशन दिया है वो भगवान ने इसलिए दिया है, उनको कहना था देखो हम कितने नम्र हैं, हमारे भक्त कितने नम्र हैं, कि हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। तो सब सोचो, अब कलयुग में दो व्यक्ति जब झगड़ते हैं तो कैसे झगड़ते हैं? तू गलत है, तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? नहीं तू गलत है नहीं कहता है, कुछ और आगे कहता है, हम यहाँ नहीं कहेंगे। फिर तो जो ओरिजिनल व्यक्ति वो क्या कहता है, वो उसके आगे एक कदम जाता है, ये क्या है कि नहीं, वो ऐसे आगे बढ़ता है। यहाँ पे दूसरा झगड़ा चल रहा है, मैं गलत हूँ, तू बोलता है कैसे, तुम कैसे गलत हो, मैं गलत हूँ। वो तीसरे व्यक्ति बोल रहे हैं अरे कहाँ से, कौन से रूप से आप दोनों गलत है, गलत तो मैं हूं ना यहाँ पे। तीनों व्यक्ति झगड़ रहे, वैकुंठ में भी झगड़ा होता है, कैसे झगड़ा होता है, हम गलत है, सारा दोष हमारा है। तो ये है विष्णु का चरित्र। तो हम जो देख रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु और रामचंद्र ये ना केवल रूप से सौंदर्य है बल्कि उनके चरित्र से भी सुंदर है, उनके जो भक्त हैं वो भी केवल रूप से सुंदर नहीं है, वो चरित्र से भी सुंदर है। और अनेक अनेक आचार्य हैं इस जगत में, जैसे श्रीपद रामानुजाचार्य हैं जिन्होंने कई कई जगह पे श्री श्री लक्ष्मी नारायण जी के विग्रह स्थापित किए, और हमारी परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी हैं जो इस कठिन दूरदर्शो हम कुयोगी नाम, ऐसे कठिन दर्शन होने वाले भगवान के रूप को अनेक अनेक जगहों पे स्थापित किए हैं। दूसरा हमने क्या सीखा था, चलो दिखते नहीं है भगवान साधारण रूप से, लेकिन दिख भी जाए तो क्या समस्या है, हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने केवल विग्रह को स्थापित नहीं किया, आपने किताबें भी लिखी ताकि हम उनके पढ़ के भगवान को ठीक तरह से समझ पाए, और उस भगवान की सेवा में हमको कई कई सेवाएं दी हैं ताकि हम भी नम्र बने और एक दिन ऐसा एक लक्ष्य रखे हमारे जीवन में, हम भी इस भक्त के साथ बहुत बड़ा झगड़ा करेंगे, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन क्या झगड़ा होगा, वो मैं गलत, और वो भक्त बोलेगा जी नहीं मैं गलत, और इस झगड़े को सुलझाने के लिए कौन आएंगे, भगवान आएंगे, और वो दर्शन सही दर्शन होगा। तो इस ये कह के हम श्री श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में यही प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्री श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।